मुंबई पुलिस ने नकली नोट छापने और उसे बाजार में चलाने वाले रैकेट का भंडाफोड़ करने में कामयाबी हासिल की है। पुलिस ने इस रैकेट के दो गुर्गों को गिरफ्तार कर उनके पास से नकली नोट और नोट छापने की मशीन भी बरामद की है। पुलिस की चुंगल में फंसे ये दोनों शख्स नकली नोट छापने और उसे बाजार में चलाने का धंधा करते हैं। नकली नोट का कारोबार चलाने के लिए इन लोगों ने न केवल प्रिंटिंग का सामान इकट्ठा कर रखा है बल्कि बाजार में भी अपने संपर्क बना रखे हैं ताकि आसानी से नकली नोटों को बाजार में खपाया जा सके। मुंबई पुलिस ने मुखबिर की सूचना के आधार पर विरार देसाई रोड पर ट्रैप लगाकर इन दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के वक्त आरोपियों के पास से 2,95,000 रुपए कीमत के 500 रुपए के कुल 590 नोट बरामद किए गए। रेड की कार्रवाई की जिसमें दो आरोपी उनके गाड़ी के साथ में उनको जब पूछताछ की तो पता चला उनके पास 500 रुपए जिसका मूल्य है इस तरह के 590 संख्या के टोटल मिला के 2,95,000 रुपए उनके पास थे जो जाली थे। बाद में आरोपियों से की गई पूछताछ के आधार पर पुलिस ने उनके ठिकाने पर छापा मारा और वहां से नकली नोट छापने का सामान जब्त कर लिया। उनके घर से जो जहां पे रहते थे वहां से हमें एक प्रिंटर, एक लैपटॉप, टैब, जीएसएम पेपर, आरबीआई लिखे हुए, तांबा के अलग अलग पट्टियां, वाटरमार्क प्रिंटर प्रिंट किए हुए पेपर्स और अलग अलग साहित्य मिले जिसको जब्त किया गया। फिलहाल कोर्ट से आरोपियों को 11 मार्च तक के लिए पुलिस रिमांड पर भेज दिया है जहां पुलिस उनसे पूछताछ कर नकली नोट रैकेट के तार तलाशने की कोशिश कर रही है। माना जा रहा है कि इस रैकेट ने बाजार में भी अपने संपर्क बना रखे थे जिनके जरिए वो नकली नोट को खपाया करते थे। पुलिस आरोपियों का क्रिमिनल रिकॉर्ड भी तलाश रही है। टीम न्यूज़ नेशन।